इस बात को भूल जाओ महारानी, मैं शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी रुक जाइए प्लीज। स्वामी जी हे पतिदेव, आप इस बात को क्यों नहीं भूल जाते, हम लोग निसंतान हैं। अगर आप दूसरी शादी नहीं करते हैं, सारी जिंदगी यूं ही कलंकनी बनी बैठूंगी, तो मैं बांझिन हूँ, बांझिन के लिए ताने सुनती रहूंगी। शिव भगवान आहे हम नहीं, हम न बाहरानिया। नहीं कारवा तो सारे भी महारानी। हे स्वामी जी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, शादी करने का कोई उम्र होता है, कोई समय होता है महारानी? स्वामी जी अभी तीसरा पन गुजार रहा है, आप समझ रहे हैं उम्र नहीं है, फिर भी तो एक पन आपका बाकी बच गया है। अगर इस उम्र में भी शादी कर लेते हैं, मेरी छोटी बहन के गर्भ से संतान का उत्पत्ति अवश्य होगा। महारानी अगर मैं बार बार तुम्हारी बातों का उल्लंघन भी करता हूँ तो ये बात शुभ नहीं देती। अगर तुम्हें आशा और विश्वास है कि मुझे शादी कर लेने से हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा तो ठीक है महारानी, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार शादी करने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी आज ही महामंत्री को भेजा जाए देश भ्रमण के लिए। क्यों नहीं महारानी, अरावली अरे चुतिया कहीं का, चुतिया कहना कैसे हो, ये बता। जे हाँ मन था से हाँ कही दे तू। आज मैं महारानी के कहने के अनुसार जी महाराज इस राज में एक पुत्र के लिए दोबारा शादी करने को तैयार हो गया। जी महाराज क्यों नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त तू भी तैयार हो जाओ। क्यों नहर बाह न जाओ महारानी, तू हवेली चली जा। क्या हुआ नहर बाह न जा वाला लो, हे हम ऐसा भी कर भो। मैं तुमसे शादी करूंगा, मुंह देखा है आईने मेरे। हाँ कुतबास काम से नहीं। शट अप, तू लड़की है तो इनका जो हम तैयार है तुम भी तैयार हो जाओ। तैयार होने का मतलब ये हुआ कि तू नहा धो करके जी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके तैयार हो जा, तू बर्तुहार बन जा। ओ बर्तुहार या नाने कते बर्तुहारी लगाए हो, नहरवा इन्हें ले जाकर तैयार करवाई छो। शट अप, जी जी महाराज हम चल अभी 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 हम यहाँ जाएंगे बर्तुहार। तो पूछा लेकिन कहाँ जाना है, यहाँ से विक्रमपुर शहर जा। ओ विक्रमपुर शहर, मुझे पता चला है जी महाराज विक्रम सिंह के यहाँ एक कुमारी कन्या है। जी महाराज, तू जा सबसे पहले वहाँ पता लगा। जी महाराज इस समय हम जाइए महल में बेसब्री से इंतजार करेंगे और अभी अभी हम यहाँ से टेम्पो स्टार्ट करते हैं। अरे तेरी नारियल्ला अजय हार झूलावी, आज के बिना बाबुआ जाही मंत्री रे Yeah।
ढलैया रोड तो हम आवे के लिए हो तोरा ई धौने धौनी नहर पकड़ा गेले ट्रेन लागल रोड के है। आ मास्टर साहब ई नहरे नहर हम टर्निंग टर्निंग होकर इधर घूम गए। अनहरिया से इंजोरिया देख कर चले आए लेकिन पते नहीं चल रहा है कहाँ यहाँ पहुँचे। अरे पढ़ा लिखा नहीं है जी ना, लॉकडाउन में सर पर टिप्पा छाप है। लॉकडाउन में बिल्कुल टिप्पा छाप है। ये विक्रमपुर शहर है। यही विक्रमपुर शहर है। ये किसका मकान है? राजा विक्रम सिंह का। ये राजा विक्रम सिंह का मकान है। तब आत्मा मकान तो हम नौ यहाँ भी हम नहीं देख लियो रे। कभी नहीं। कहिए देख लिए। इतना बढ़िया मकान है, दरबार में कोई दरबारी नहीं है? तब ये बिना दरबार ये का दरबार है? आवाज लगाने पे आएंगे। एक है लगाओ। अपना सब व्यवस्था कर भैया खड़े खर नीचे में बैठो व्यवस्था भे जीते चाय पर चाय तब अच्छा आवाज लगवा दियो। ए दरबार में कोई ना है हो क्या रे? बैग लंबर तुवार का इज्जत ही नहीं तो बताबो कैसे के हाय रे साला। बकरी उकरी मत खोलना, तेरी माँ के लक्कर मारो। और अरे बाबू हम बकरी चोर नहीं है, बर्तुवार है बर्तुवार। अरे साला अगमा ये हम क्या देख रहे हैं? साला कम है रे। तब क्या क्या है? साला हमरा नहीं कहीं। तब साला कैसे घटा लगा लगे छो? तब क्या क्या है? हाँ कहेगा जो जी जा जी कहीं। अरे ये हम अभी क्या देख रहे हैं? कहाँ से देख रहे हैं? हम अभी खिड़की से देख रहे हैं। एगो कैमरा खुल ले चुकी रहा। तब हाँ खिड़की से देख रहे हैं। हाँ हम मुँह देखे छो। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि तुमको कौन सा ईश्वर ने बनाया है। हम रहो टेर नहीं छोड़े। और तुम्हारा मुंह कैसा लगता है? मुंह कैसा लगता है? तुम्हारा मुंह चोर चंडा में के छौची जैसा लगता है। सही लगे छे मौसा चोर चंडा में छौची रंग के हो। सही है हो तोरा? सही में लगता है चोर चंडा में के छौची जैसा हो। तब जोन के यहां मायो हाथ उठाई तो अब बहिन का मुंह ही चाबसी करे लगते है। आइए दरबार में व्यवस्था कीजिए। आयो व्यवस्था करियो। आयो अच्छा रे कमी थका लागो रे। आबी गेलो स्लिम मर्दनो। आय एरा बाबू ब्रेक नहीं लागै ये। ब्रेक नहीं लागै छै। अच्छा इधर सुनिए क्या आप यहाँ का कौन है? हम इस राज्य का महामंत्री हैं। और आप इस राज्य का मंत्री हैं? हाँ। और मेरे बारे में जानिए हम कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए हैं? साला चोरू है क्या? चोर नहीं है। तो चोर का बाप है। चोर का बाप है। मेरा मकान पड़ता है उत्तमपुर शहर। अच्छा। और मैं अपने महाराज राजा उत्तम पाद सिंह का महामंत्री हूँ। ये महामंत्री का ही ड्रेस है? ड्रेस नहीं है, ड्रेस नहीं है, घंघरा है। घंघरा नहीं है। तो ये है मोदी ड्रेस। नीचे लेडीज ऊपर जेंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन। नहीं सलाह आचार संहिता लागू है, बुलबुल मत करो। ये ड्रेस बढ़िया नहीं है। अच्छा आपका ड्रेस बढ़िया है। ये देखो मंत्री का ड्रेस ऐसा होता है। मंत्री का ड्रेस ऐसा रहना चाहिए। हाँ जींस जूता टी शर्ट। सर सुनिए ना क्या हम ऐसा ही ड्रेस खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन पहले अब जानेंगे तब नहीं क्या है। क्या है ये बताइए क्या है? ये टी शर्ट है। टी शर्ट? हाँ अगमा तब हम वही नहीं लेबो। टी शर्ट के अंदर में क्या है? बनियान है, गंजी। गंजी? हाँ गंजी वो ले लो। गंजी के अंदर में क्या है? गंजी के अंदर में पेट है।